वाटर प्रूफिंग का वर्ड यूज करना ना थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि वाटर प्रूफ चीज हो गई, यानी वहां पे पानी गुजर ही नहीं सकता, 100% वो प्रूफ हो गई है और उसमें से पानी पास ही नहीं हो सकता, जबकि ऐसा गलत है। वाटर रेजिस्टेंट जो वर्ड है ना, आई थिंक दैट इज मोर सुटेबल कि हम वाटर रेजिस्टेंट का वर्ड यूज करें कि पानी को ये रेजिस्ट कर सकता है। हमारे जितने भी केमिकल्स हैं जिनसे हम चाहते हैं कि हम पानी से बचे, वो वाटर को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रूफिंग का वर्ड ना ये खतरनाक टर्म है। अगेन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो बेहतर गाइड कर पाएंगे, बट मैं इस वीडियो में तो वाटर प्रूफिंग ही यूज करूंगा। बट मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि क्लाइंट्स और जो कस्टमर्स देख रहे हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, वो ये चीज समझें कि 100% वाटर प्रूफिंग अचीव करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, नामुमकिन है मेरे नजदीक। 100% वाटर प्रूफिंग अचीव करना नामुमकिन है।